अफगानिस्तान का मुकाबला इंडिया, इंडिया ने कॉम्प्रिहेंसिवली ये मैच जीत लिया है। हिंदुस्तान चाहता और अगर विराट और रोहित शर्मा चल जाते और ऋषभ पंत चल जाते तो 220 भी हो सकता था। बट अगेन हमें तो इंडिया के बारे में पता है कि वन ऑफ द मोस्ट रूथलेस टीम इन दिस फॉर्मेट और बड़ी पक्की टीम है हिंदुस्तान की। इंडिया की टीम जो है वो यानी उस टीम वो 11 लड़के नहीं है, वो एक टीम है। एक नहीं चलता है तो बाकी पूरा कर सर। एक टीम है तो दुनिया में जाकर डोमिनेट कर रहे हैं, किसी एक पे डिपेंड नहीं कर रहे। यानी उनकी टीम होने का सबसे बड़ा क्या सबूत होगा कि कोहली नहीं चल रहा फिर भी टीम नाकाम जीत रहे हैं। कोहली के बगैर ऑस्ट्रेलिया से सीरीज जीत के आ गए हैं, टेस्ट सीरीज दो बार जीत के आ गए हैं, तो ये मेरे ख्याल से उनके सिस्टम को क्रेडिट जाता है। सूर्य कुमार यादव ने 50 रन की इनिंग खेली, वही संभाल कर वो इसी तरह ही खेलता है। उसने स्विप शॉट्स मारे, सीधे मारे, मतलब यानी बहुत अच्छी क्रिकेट खेलता है वो। स्पिन के हिसाब से देखा जाए तो वो बड़ा अच्छा मतलब यानी वो खेलता है। लेकिन मैं अभी भी समझ रहा हूँ कि सूर्य कुमार यादव ने रन तो कर दिए लेकिन विराट कोहली की अभी भी जरूरत है नीचे के नंबर्स पे। लेकिन इंडिया के सामने कौन खड़ा हो सकता है? बाप के सामने कभी बेटा खड़ा हो सकता है? यार इंडिया ने सुपर 8 का अपना पहला मैच अफगानिस्तान को हरा दिया है। क्या इंडिया क्या ऑस्ट्रेलिया के लिए खतरे की घंटी बज गई है? इंडिया जिस तरीके से एक खूनखवार शेर बन के आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया के लिए खतरे की घंटी तब भी बज गई थी जब 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप वो लोग आ रहे थे, तब से इंडिया ने जो है T20 वर्ल्ड कप की तैयारी पकड़ ली थी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, स्वागत है आपका सुपर पावर इंडिया न्यूज में। दोस्तों इस वीडियो में आप देखेंगे पाकिस्तानी मीडिया और खास करके पाकिस्तान के फॉर्मर खिलाड़ियों का शॉकिंग रिएक्शन, जिस तरह से कल रात भारत ने अपने पहले सुपर 8 के मुकाबले में अफगानिस्तान को हराया है। उसके बाद दरअसल आप सबको पता है कि कल रात भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 182 का टारगेट अफगानिस्तान को दिया था, लेकिन अफगानिस्तान इसे पूरा करने में नाकामयाब रहा और भारत ने इस मैच को 7 रनों से जीत लिया। भारत की तरफ से आप सबको पता है कि सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह ने शानदार परफॉर्मेंस किया और यही कारण है कि पाकिस्तानी मीडिया और खास करके पाकिस्तान के फॉर्मर खिलाड़ी भारतीय टीम की जमकर तारीफ कर रहे हैं। दरअसल पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि इस वर्ल्ड कप में भारत एकमात्र ऐसी टीम है जो सबसे ज्यादा फेवरेट है इस वर्ल्ड कप को जीतने के लिए। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं पाकिस्तानी मीडिया और खास करके पाकिस्तान के फॉर्मर खिलाड़ियों का शॉकिंग रिएक्शन इस वीडियो में। इंडिया बाकायदा ये मैच जीत गया, ऑफिशियली जीत गया, जाहिर है जीत की तरफ इंडिया बढ़ रहा था। तो साउथ अफ्रीका की तरह इंडिया भी अब तक इस टूर्नामेंट में नाकाबिले शिकस्त, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया भी है। देखिए उनकी टीम में 5 ओपनर नहीं खेल रहे, एक तो ये चीज है। दूसरे उनके पास बॉलिंग कंप्लीट है। फिर विराट कोहली के ICC इवेंट के रिकॉर्ड आप देखें, एवरेज उसकी 67 की है, उसने कई मैचेस जितवाए हुए हैं, तो कंडीशन टफ थी, कोई फर्क नहीं पड़ता विराट कोहली के लिए। उसको पता है कि मेरी टीम जीत रही है, प्लेयर्स भी पीछे पड़े हुए हैं, जैसे सूर्य कुमार यादव ने बैटिंग की है, रोहित शर्मा से भी पता लग रहा है ना कि इंडिया की टीम जो है वो यानी उस वो 11 लड़के नहीं है, वो एक टीम है। जहां एक नहीं चलता है तो बाकी पूरा कर सर। एक टीम है तो दुनिया में जाकर डोमिनेट कर रहे हैं, किसी एक पे डिपेंड नहीं कर रहे। यानी टीम होने का सबसे बड़ा क्या सबूत होगा कि कोहली नहीं चल रहा फिर भी टीम नाकाम जीत रहे। कोहली के बगैर ऑस्ट्रेलिया से सीरीज जीत के आ गए हैं, टेस्ट सीरीज दो बार जीत के आ गए हैं, तो ये मेरे ख्याल से उनके सिस्टम को क्रेडिट जाता है। उनकी जो ग्रास रूट लेवल पे डोमेस्टिक जो उनका अप्रोच है वो देखें उनके काम आ रही है कि उनका बेस्ट प्लेयर दुनिया का बेस्ट प्लेयर। लेकिन फिर बासित भाई इसका मतलब ये नहीं हुआ कि पाकिस्तान की टीम बाबर पे उससे ज्यादा डिपेंडेंट है जितनी इंडिया की टीम कोहली पर डिपेंडेंट है? तो यानी ये बाबर हमारे लिए उससे ज्यादा जरूरी है जितना कोहली इंडिया के लिए जरूरी है, क्योंकि वो तो उसके बगैर भी जीत रहे हैं हमारे यहाँ। उनके प्लेयर्स ने अपने मुल्क को मैच जितवाए, चाहे वो रोहित हो, चाहे विराट हो, चाहे HYZ कोई और, सूर्य कुमार यादव, हमारे यहाँ बाबर पे सारा डिपेंड करते हैं। लेकिन वो उसने इंडिया के अगेंस्ट कितने मैच जीते? आप देखें एवरेज जो उसकी बड़ी बड़ी परफॉर्मेंस है ना, अभी किसी 12 साल 13 साल के बच्चे से पूछेंगे ना उसको याद होगी जी, क्यों ऐसी परफॉर्मेंस है उसकी। हाँ। और मैच विनिंग परफॉर्मेंस है, तो मेरे ख्याल से 4 मैचेस नहीं होंगे कोई इतनी बड़ी बात नहीं उसके लिए। वो मेरे ख्याल से ऐसा परफॉर्मर है, वो कोई 20 मैचेस में भी ना करे तो इंडियन टीम उसको हलाएगी नहीं, क्योंकि उसने 80-100 किए हुए इंटरनेशनल क्रिकेट में। जितना अच्छा विराट कोहली खेलता है उससे डबल ज्यादा अच्छा बोलता है। वो कहता है, लोग कहते हैं उम्मीद पे दुनिया कायम है, मैं कहता हूँ यकीन पे दुनिया कायम है। अफगानिस्तान का मुकाबला इंडिया, इंडिया ने कॉम्प्रिहेंसिवली ये मैच जीत लिया है। हिंदुस्तान चाहता और अगर विराट और रोहित शर्मा चल जाते और ऋषभ पंत चल जाते तो 220 भी हो सकता था। बट अगेन हमें तो इंडिया के बारे में पता है कि वन ऑफ द मोस्ट रूथलेस टीम इन दिस फॉर्मेट और बड़ी पक्की टीम है हिंदुस्तान की, और पूरी बॉलर्स पूरे हैं, बैट्समैन पूरे हैं, उनके बॉलिंग ऑलराउंडर्स पूरे हैं, बहुत ही कमाल की टीम है। यू नो दिस रूथलेस अप्रोच फॉर हार्दिक पांड्या, बट सूर्य कुमार यादव लाइक विकेट इतना आसान नहीं, बॉल बल्ले पे आ नहीं रहा, बट अगेन हैविंग सेड दैट इट इज जस्ट लाइक
something to watch. Surya Kumar Yadav, man, Sky is amazing. His Sky has no limits. And that just बताया भी शो भी किया कि that you know his range of shot that he has. I mean like इस track पे जहाँ बाकी सारे फंसे हैं पूरी शॉटें नहीं लग रही क्योंकि बॉल बल्ले पे आ नहीं रहा. इतने भी मजदार है नहीं. But you know with his technique, with his brand of cricket that he plays, he done the job in India. Well done. And bowling, obviously, what can you say about the bowling? Yadav, अपना Yadav कह रहा हूँ. कुलदीप, बुमराह. I mean, Akshay, chance ही नहीं बनता यहाँ पे फंसने का करने का. So again, India, well done, keep it up. And I think ये वो वक्त है कि हिंदुस्तान को ऑस्ट्रेलिया को फाइनल में लाके फेंका लगाने चाहिए और लास्ट का बदला लेना. सूर्य कुमार यादव बेसिकली सूर्य कुमार यादव आज फॉर्म में लग नजर आया. जो शॉट्स खेली हैं उन्होंने राशिद खान को स्पेशली अच्छी बॉलिंग कर रहे, 3 विकेट लिए उन्होंने. लेकिन जब विकेट गिरी हुई थी तो वहाँ पर उन्होंने अटैक किया उनके ऊपर. यही खासियत है इसकी. पिकअप शॉट बहुत अच्छी थी, लंबा फॉरवर्ड आगे से बॉल को ले रहे थे. राशिद खान बहुत एक्सपीरियंस है, मैं क्या बताऊंगा यहाँ से. लेकिन जब ऐसे स्वीप आगे से बॉल लेके मारते हैं तो यॉर्कर टाइप की बॉल की जाए स्वीप वाले प्लेयर को. जब आप आगे फुल बॉल करते हैं ना स्वीप लगना, फिर अंदर की तरफ स्वीप जाती है और जो भी मिस करेगा वो आउट होने के चांसेज होते हैं. किए हैं उन्होंने बहुत दफ़ा. लेकिन ये बैट्समैन ऐसा है कि कोई काम है, फीट तेज है क्योंकि क्रीज में खड़े होते हैं. ये बॉल रिलीज होने के बाद अपनी मूवमेंट बहुत तेजी से आगे की तरफ लेके जाते हैं, पाँव ले जाके लंबा फॉरवर्ड लेके उसको स्क्वायर लेग अंपायर के बाहर मारते हैं, वहाँ पे मारते हैं और फ्रंट पे मारते हैं. जब फील्डर थोड़ा सा इधर करते हैं तो भी अंदर भी मारते हैं. ये क्लास है, चाहे स्पिनर हो या फास्ट बॉलर, यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. और आज के मैच को जो टर्न किया है बैटिंग में तो यादव ने किया, बहुत अच्छी बैटिंग की है. चाहे फास्ट बॉलर को खेलें या स्पिन को, स्पेशली इनके ऊपर था थोड़ा प्रेशर तो होगा. 3 आउट हो गए, मेन प्लेयर आउट हो गए, ऋषभ भी आउट हो गए, रोहित भी, विराट भी आउट हो गए, तो सारा प्रेशर इनके ऊपर आया. उन्होंने लिया, कबूल किया उसको. और आज का मैच मैं समझता हूँ, बाद में तो बहुत सारे प्लेयर्स आ जाते हैं, हार्दिक पांड्या भी आ गए, ये भी आ गए, वो भी आ गए, लेकिन मेन जो आज थे इस मैच के कल्प्रेट वो सूर्य कुमार यादव थे. बहुत जबरदस्त बैटिंग की है और ये नजर आएंगे. ये ऐसी पिचेस जहाँ डेंजर होगा ना वहाँ पे ये रन करते हैं. अब एक जगह और देखा था, मुझे याद नहीं आ रहा, दुबई में थे या साउथ अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया में गए, बहुत खराब पिच थी वहाँ पे, ये बहुत जबरदस्त बैटिंग की थी. पता नहीं यहाँ से ले जाते, दुबई थी शायद. शिवम दुबे पे बहुत ट्रस्ट किया इंडिया के मैनेजमेंट ने, कप्तान ने. 4 मैचेस हो गए हैं और आज भी वो ही केम, ऑब्वियसली ही हैड टू कम अहेड ऑफ हार्दिक पांड्या. नहीं चेंज करेंगे डॉग, आप खामखा लगे हुए हो, नहीं चेंज करेंगे ये लोग. ये दिस माइंड बनाया हुआ है. ओके, बहुत जरूरी पिच रड़ा हो गया तो फिर मारते हैं, ये नहीं जाते उसके ऊपर. एक चेंज किया तुमने, कितनी बातें की होंगी. लेकिन जितने भी हमने इंडियन जो हमारे कुलीग आए, साथी आए जिनके साथ हमने क्रिकेट देखी है, खेली है, सब ने अपने सेटअप का बताया कि वो किस तरह से क्रिकेट खेलना चाह रहे हैं. तो उन्होंने इरादा कर लिया कि हम इस तरह से जा रहे हैं खेलने के लिए, तो वो वैसे ही जाएंगे. तो देखा दोस्तों, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के अपने पहले ही सुपर 8 मुकाबले में भारत की शानदार जीत देखकर पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के फॉर्मर खिलाड़ी हैरान हैं. दरअसल मैं आपको बता दूं दोस्तों कि कई पाकिस्तानी फॉर्मर खिलाड़ियों को ये लगता था कि अफगानिस्तान आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मुकाबले में भारत को हरा देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि भारत ने इस मैच को एक तरफा कर दिया. और यही कारण है कि पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के फॉर्मर खिलाड़ी बुरी तरह से हैरान है. तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी. यदि वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए. और इस वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा उसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं. तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद.